गुड मॉर्निंग एवरी वन. आवर सब्जेक्ट इंग्लिश. बुक नेम मॉनबीम. लेसन सिक्स पेज नंबर 42. सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन सिक्स रीड करेंगे. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. मंकी मीन्स बंदर, क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ. बंदर और मगरमच्छ जो है उसके बारे में हम रीड करेंगे. अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल वर फ्रेंड्स. अ मंकी यानी कि एक बंदर और एक मगरमच्छ वो क्या थे, दोस्त थे, है ना. हियर आर सम मैंगोज फॉर यू. हियर आर सम यानी कि पेस है आपके लिए कुछ आम. जो बंदर है वो मगरमच्छ से कहता है कि आपके लिए ये कुछ आम है. थैंक यू माई फ्रेंड्स. जो मगरमच्छ है वो बंदर को क्या बोल रहा है, मंकी को क्या बोल रहा है कि थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त. द क्रोकोडाइल एंड हीज वाइफ लाइक्ड द स्वीट्स मैंगो. स्वीट मैंगो यानी कि मीठे आम. क्रोकोडाइल मगरमच्छ यानी कि जो मगरमच्छ है उसकी पत्नी को मीठे आम पसंद है. मम दे आर सो यम्मी. जो क्रोकोडाइल है उसकी जो वाइफ है वो क्या कह रही है कि ये जो आम हमने खाए कितने यम्मी हैं, कितने स्वादिष्ट हैं. व्हाट स्वीट मैंगो, क्या मीठे आम. देन वन डे, जब एक दिन द मंकी ईट्स मैंगो. देन वन डे यानी कि जब एक दिन जो बंदर है वो आम खाता है. सो ही हीज हियर मस्ट बी स्वीट टू. तो उसका दिल कितना मीठा होगा. यानी कि जो क्रोकोडाइल है उसकी वाइफ और जो क्रोकोडाइल है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जो बंदर है जब वो इतने मीठे आम खाता है तो उसका दिल भी कितना मीठा होगा. लेट्स ईट द मंकी हियर्ड देन. चलो बंदर का दिल खा लेते हैं. जो क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ है वो क्या बातें कर रहे हैं आपस में कि चलो जो मंकी है यानी कि उसका हम दिल खा लेते हैं. सो द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन. ओ मंकी माई वाइफ हैज़ मेड लंच फॉर यू. ओ मंकी यानी कि ओ बंदर, माई वाइफ यानी कि मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के खाने के लिए बुलाया है. जो यानी कि दोपहर का लंच है, खाना है, वो आज मेरे घर पे होगा. ओ बट कैन नॉट स्विम, हाउ विल आई गेट टू योर हाउस. जो मंकी है ना वो क्रोकोडाइल से बोल रहा है कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो मैं तुम्हारे घर तक कैसे जाऊंगा. नेक्स्ट पेज. द क्रोकोडाइल हैड अ प्लेन. मगरमच्छ के पास एक विमान है. यानी कि जो उसकी पीठ है ना उसको वो बोल रहा है कि मेरे पास एक विमान है. विमान प्लेन यानी कि प्लेन जो हवाई जहाज वगैरह होता है या पानी का जहाज होता है. ही ऑफर टू कैरी द मंकी ऑन हिज बैग. उसने क्या किया, बंदर को अपनी बैग यानी कि पीठ पर बैठा लिया. दिस इज रियली काइंड ऑफ यू. यह वास्तव में आपकी तरह है. एनीथिंग फॉर अ स्वीट फ्रेंड. एक प्यारे दोस्त के लिए कुछ भी. यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो मंकी से कह रहा है कि एक प्यारे दोस्त के लिए, एक अच्छे दोस्त के लिए ये सब कुछ जो है वो ठीक है. द क्रोकोडाइल क्राइड द मंकी ऑन इट्स बैक. ही वाज हैप्पी विद इज प्लेन. क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ था उसने क्या किया, बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया, है ना. वह बहुत खुश था यानी कि अपने विमान से. प्लेन माने विमान से. ही सैड उसने कहा, सिली बंदर यानी कि मूर्ख बंदर, यू आर गोइंग टू बी आवर लंच. तुम हमारा दोपहर का खाना बनने जा रहे हो. व्हाट, क्या यानी कि जो मंकी है वो क्रोकोडाइल को बोल रहा है क्या
द मंकी थॉट क्विकली यानी कि उसने बंदर ने जल्दी से कुछ सोचा. आई हैव टू गो बैक होम. आई लेफ्ट माई स्वीट हर्ट ऑन द मैंगो ट्री. बंदर ने क्या किया, जल्दी से सोचा मुझे घर वापस जाना है. बैक होम माने घर वापस जाना है. आई लेफ्ट माई स्वीट हार्ट ऑन द मैंगो ट्री. जो मेरा स्वीट यानी कि मीठा दिल है वो जो है जो मैंगो का ट्री है यानी कि आम का ट्री है उसके ऊपर ही है. ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स बेशक. ऑफ कोर्स का मतलब बेशक मेरे दोस्त. द मंकी क्विकली जंप्ड ऑन टू द ट्री. जैसे ही आम का पेड़ आया ना तो बंदर ने क्या किया, जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया. यू लाइड टू मी. यू आर नॉट माई फ्रेंड. मंकी ने अब क्रोकोडाइल को क्या बोला कि तुम झूठे हो, है ना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरे से झूठ बोला है. द क्रोकोडाइल वॉज सैड बिकॉज ही हैड डन अ रोंग थिंग. मगरमच्छ दुखी था. द क्रोकोडाइल वॉज सैड यानी कि जो मगरमच्छ था वो क्या था, दुखी हो गया क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि उसने गलत काम किया था. ही नेवर वेंट बैक टू द मैंगो ट्री अगेन. वह फिर कभी आम के पेड़ के पास नहीं गया. तो बच्चों आपको इस स्टोरी से कुछ पता लगा, जो जैसे कि हम कहते हैं लालच जो है बुरी बलाया. हमें किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसी में हमें संतुष्टि बनाए रखनी चाहिए. ठीक है, तो हमेशा जब भी किसी से दोस्ती करो तो अच्छे से करो, किसी भी लालच की भावना से नहीं करनी चाहिए. अब इसके बाद देखो, नंबर द इवेंट इन द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर जो है स्टोरी के इवेंट दिए गए हैं ना, तो उनको क्या करना है, नंबर के अकॉर्डिंग राइट करना है. जैसे फर्स्ट है हमारा द मंकी क्विकली क्लाइम्ब द ट्री, तो यहाँ पर आएगा नंबर 7. अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल वेयर फ्रेंड्स, तो ये आएगा हमारा फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि जो मंकी और क्रोकोडाइल थे वो क्या दोस्त थे, है ना. तो सबसे पहले तो हमने स्टोरी में ये ही लाइन पढ़ी, तो ये नंबर 1 पर आएगी यहाँ पर. नेक्स्ट पेज, द क्रोकोडाइल टुक द मंकी टू हिज होम ऑन द ट्री, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे सेकंड नंबर. द मंकी शेयर्ड द मैंगोज विद द क्रोकोडाइल, ये नंबर 3. पहले वो दोस्त थे, है ना, तो यहाँ पर नंबर 3 राइट करेंगे हम. द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट हिज हेयर हार्ट वाज एट होम, नंबर 6. द क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ डिसाइड टू ईट द मंकी, यानी कि जो डिसाइड किया था वो किसने किया था, क्रोकोडाइल की वाइफ ने, कि मैं मंकी का जो है वो दिल खाना चाहती हूँ या उसको खाना चाहती हूँ. तो नंबर 5, द क्रोकोडाइल इनवाइटेड द मंकी टू लंच, यहाँ पर राइट करेंगे हम नंबर 4. अब इसके बाद देखो नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स यूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर जो है वर्ड दिए गए हैं और इसमें आपने जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें उनको कंप्लीट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द मंकी लिव्ड इन अ मैंगो ट्री. द क्रोकोडाइल लिव्ड विद हिज वाइफ. द मंकी गेव मैंगोज टू द क्रोकोडाइल. द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी फॉर लंच. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. अब इसके नीचे देखो, रीड द सेंटेंस देन फिल इन द ब्लैंक. पहले जो हमने सेंटेंस को रीड करना है, फिर उसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक है उसको कंप्लीट करना है. दिस इज रियली काइंड ऑफ यू, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे किसने किससे कहा, है ना. द मंकी सैड, मंकी ने उससे मगरमच्छ से कहा दिस टू क्रोकोडाइल. द क्रोकोडाइल वाज काइंड टू इन्वाइट द मंकी फॉर लंच. तो सबसे पहले आप राइट करोगे मंकी और सेकंड नंबर पर क्रोकोडाइल.
सेकंड नंबर क्रोकोडाइल एंड लंच, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर मैंगो, तो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, राइट वन वर्ड टू डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज यूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि एक पहले से ही किया गया है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दी गई है जो ये यहाँ पर हमने राइट करना है। तो मैंगो कैसे थे, स्वीट, क्रोकोडाइल ग्रीडी यानी कि लालची, मंकी स्मार्ट, मैंगो ट्री बिग यानी कि जो मैंगो ट्री था वो बहुत बड़ा पेड़ था, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे बिग। अब इसके नीचे देखो नेक्स्ट पेज पर, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स, द पिक्चर विल हेल्प यू, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पर जो आपने ये जो एनिमल्स हैं उनके नेम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारा है एल, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, आई ओ एन, लॉयन, ठीक है। तो जिराफ, मंकी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, ठीक है, तो इनको आपने खुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज, नाउ कंप्लीट दिस टेबल, मेल एंड फीमेल, यानी कि आपने पहले भी ग्रामर की बुक में पढ़ाया ये, अंकल आंट यानी कि चाचा चाची, हस्बैंड वाइफ, प्रिंस प्रिंसेस, ब्रदर सिस्टर, मैन वूमेन। तो बच्चों इस तरह से आपका पेज नंबर 46 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज, इसमें कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पेज निकालिए इसके बाद में, ये वाला, वेयर डज अ क्रोकोडाइल लीव, यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ पर रहता था, वाटर। डज अ क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ, यस। व्हाट डज अ क्रोकोडाइल ईट, मंकी, यानी कि जो क्रोकोडाइल था वो किसे खाना चाहता था, मंकी को। इट इज़ द कलर ऑफ ए क्रोकोडाइल, ग्रीन, जो क्रोकोडाइल होता है उसका कलर कैसा है, ग्रीन, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका पेज नंबर 49 जो है कंप्लीट होता है। और आपने ये पेज लेसन 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल रीड करना है और बुक भी अपनी कंप्लीट करनी है। थैंक यू।